हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई होप आप सभी हैप्पी, लाइट, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है करेंटली, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या आपको मिस कर रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, आप सोच रहे हो जिनके भी बारे में, क्या है उनकी एनर्जी और थॉट्स आपको लेकर, तो फोकस उन पर बना कर रखिए। साथ में यूनिवर्स भी ज़रूर प्रे कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, उनका थॉट्स इनको लेकर फाइटिंग। ओके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सकता है कि इनके साथ आपका फाइट चल रहा है, फाइट हुआ है, चल रहा है, या तो हो चुका है ऑलरेडी। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं अभी भी, आप ये पर्सन किसी बात को लेकर, कोई बात को लेकर आपको ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर इनका बस चले तो अभी राइट नाउ ही आपसे फाइट करने के लिए बिल्कुल आ जाए। ठीक है, इस एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं आखिर रीज़न क्या है इनका इतना नाराज़ होने का, गुस्सा होने का, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इनकी बस यही एनर्जी है कि बस तू आ जा सामने, ठीक है, मैं तेरे को देख लूँगा, देख लूँगी, इस तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर इनके साथ पास्ट में आपका फाइट हुआ है तो आपके पार्टनर पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं आपसे फाइट करके, आपसे आर्ग्यू करके। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक रिग्रेशन वाले एनर्जी में है, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने फाइट कर लिया, मैं ही चुप हो जाती तो आज इतनी बड़ी बात नहीं होती हम दोनों के बीच, शायद साथ में होते, कांटेक्ट में होते, कम्युनिकेशन होती हमारे बीच, टच में होते एक दूसरे के, क्यों मैंने फाइट कर लिया। आपके पार्टनर खुद को ही ब्लेम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके साथ आपका पास्ट में फाइट हुआ है तो। इनकी फीलिंग्स ऐसा भी है ना कि मुझ में मैच्योरिटी नहीं थी, अगर मैं ही थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डील किया होता, हैंडल किया होता, तो आज सिचुएशन इतना ज़्यादा वर्स्ट नहीं होती हमारे बीच। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनके पार्टनर और क्या कुछ सोच रहे हैं। सिज़ोफ्रेनिया, आपके पार्टनर खुद को क्रॉस रोड पर पा रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूज पाते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद को, आपके पार्टनर को किसी बात का फियर हो रही है, डर हो रही है। आपके पार्टनर, इनके पास दो रास्ता हो सकता है, एक आप हो जो इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, और एक कोई और पर्सन है जो कि इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनकी फैमिली है या तो कोई और है, दोनों ही इस व्यक्ति के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो आप लोग। आपके पार्टनर की तरफ से मैं डर देख पा रही हूँ किसी को खोने का, चाहे वो कोई और हो चाहे आप हो, ये किसी को नहीं खोना चाहते। ठीक है, सिचुएशन ऐसा बन गया ना कि किसी को चूज करना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ऑप्शंस नहीं चाहते ये, नहीं ऐसा चाहते हैं कि इनके पास ऑप्शंस रखे कि तुम इसको चुनो या उसको चुनो। हो सकता है कि किसी ने ऑप्शंस रखा है या लाइफ ने ही इनके पास इनको ऑप्शंस दिया है, तो इनकी एनर्जी ऐसा है कि मुझे किसी को नहीं चुनना, दोनों ही मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकता, दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। अगर दोनों में से किसी एक को भी चुनता हूँ या छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो मेरी खुद की लाइफ नहीं रहेगी। ये इनकी फीलिंग्स है, इनका थॉट्स है। ठीक है, आपके पार्टनर ने भगवान पर, यूनिवर्स पर भरोसा किया हुआ है कि वो कुछ बेहतर करेंगे, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ऐसे एनर्जी लाएंगे आप दोनों के बीच जिससे चीज़ें बेहतर होगी। आपके पार्टनर ना खुद को भी एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, खुद को ही कहना चाहिए, मुझे भरोसा दिला रहे हैं कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, कर दूंगी, एक दिन सही हो जाएगा सब कुछ, मुझे भरोसा है वक्त पर, टाइम पर, यूनिवर्स पर, मेरे रिश्ते पर, मेरे लव्ड वंस पर, मेरा प्यार पर, यानी कि आप पर, मुझे भरोसा है सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन।
ये इनका सोच मैं देख पा रही हूँ। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मुझे काफ़ी स्ट्रांगली मिल रही है यहाँ पर, कैंसर भी। यूनिवर्स बताया मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर। काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी लाइट फील कर रहे हैं आपको लेकर, इनका जो थॉट्स है काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। प्यार वाली फीलिंग्स है, इमोशंस ऐसा है कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। आपके साथ इनकी खुशी जुड़ी हुई है, आपसे बात करना, आपके साथ बिल्कुल ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, हंसी खुशी आपके साथ बिल्कुल, ये फ्यूचर देख रखा है इन्होंने। देखते हैं आपके साथ बूढ़ा होना है इस पर्सन को। जब ये आपके साथ होते हैं तो सच में काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। एक सिक्योरिटी होती है, वो एनर्जी होती है इनमें, आपसे बातें करने इनको बहुत पसंद है। आप काफ़ी मैच्योर हो इनके नज़रों में, ये जैसे भी हैं ये काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, आपको काफ़ी मैच्योर मानते हैं ये, जो भी आपके एज है। और क्या फीलिंग्स है यूनिवर्स बताया मुझे, और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का इनके लिए, नथिंगनेस। ओके, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते, बस इनकी यही एनर्जी है। आप दोनों के बीच फाइट हो रखा है, जिसको सुलझाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ता सही करना चाहते हैं, जो कि आप दोनों के बीच कुछ इशू चल रहा है उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हंसी खुशी जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इनका और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, ये और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। बस फाइट ख़त्म हो जाए, आप दोनों हंसी खुशी रहो, आप दोनों का फ्यूचर हो साथ में, ठीक है। ज़िंदगी खुशहाली से बीते, आप दोनों इन्जॉय करो एक दूसरे के साथ, बस यही इनकी तमन्ना है, इनकी चाहत है, इनकी विश है। खुद को राइट नाउ अलोन फील कर रहे हैं, जो भी इनका स्थिति है, आप दोनों का सिचुएशन है, खुद को काफ़ी अकेला पा रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं आपके बिना अकेले हैं, ये अकेले पड़ चुके हैं। इनको कोई समझ नहीं रहा है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, इनसे हर कोई एक्सपेक्ट करता है, चाहे आप हो, फैमिली हो, या कोई और हो, दोस्त हो, पर इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करते। इनका क्या वेस है, ये क्या चाहते हैं, इनका क्या एक्सपेक्टेशंस है, चाहे फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, या लवर से हो, हस्बैंड वाइफ से हो, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछते, ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे क्या कहना चाहते हैं करेंटली, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या मैसेज है, जो कि कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, कुछ कहना इनको, वो क्या बात है। इंटीग्रेशन, आपके साथ एक होने हैं, आपके साथ ये स्ट्रांगली फीलिंग्स ये रखते हैं आपके लिए, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में देखते हैं, अदर हाफ मानते हैं आपको, जो भी हो, जैसे भी हो, ये जैसे भी हैं, जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन हो गए, स्थिति हो गया है, पर ये आपका साथ कभी नहीं चाहते, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में यह ऐसा भी देख पा रही हूँ कि मैं जैसे भी हूँ मुझे एक्सेप्ट करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी चाहता हूँ, चाहती हूँ, और तुम जैसे भी हो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं वर्क करने के लिए रेडी हूँ, मैं हील करने के लिए रेडी हूँ, जो रिश्ता है हमारा उसको, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सुधारने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए मैं रेडी हूँ, अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करने के लिए मैं रेडी हूँ, ये मुझे इनके एनर्जी, इनका थॉट्स दिखाई दे रहा है। और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, इनका क्या मैसेज है, एक और मैसेज। ओके, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप रहे, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग रहे, आप दोनों के बीच एक्सेप्टेंस रहे, बिल्कुल आप दोनों के बीच इमोशंस है, लव है, और ये चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता ग्रो करे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करो, एक दूसरे को टाइम दो, कि आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं, पहले नहीं निकालते थे, अब निकालना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दिल की बात, मन की बात बताना चाहते हैं, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। इनको रिबर्थ चाहिए। इनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, यूनिवर्स बताए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर इनको लेकर। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, जब भी पर्सन आपसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, या आप दोनों आमने सामने होंगे, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होगी, आपके पार्टनर खुद की गलती एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे। मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
इनके मन में जो बात है, फीलिंग्स है, ये आपको सॉरी कहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके साइड से आप एक स्ट्रॉन्ग गेस्चर देखोगे, ठीक है। इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, या जो ये कन्फेश कहेंगे कहेंगे, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि आपको मेल्ट कर देगी, आपके हार्ट को, आपके मन को आपको मेल्ट कर देगी, ठीक है। आप बिल्कुल पिघल जाओगे, ठीक है। आप दोनों के बीच तो मुझे रिश्ता सही होते हुए दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आज टेंशन है इनको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, वो दूर होते हुए दिखाई दे रही है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो सरेंडर कीजिए, और जो आप चाहते हो इनको पॉजिटिव एनर्जी आप सेंड कर सकते हो, ये ज़्यादा सही हो गया। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऑल साइंस आ चुका है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, बाय।